चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ये रोड बनने के बाद ये पैसा भारत सरकार का है, स्टेट गवर्नमेंट का एक भी अंश नहीं है। रोड सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, नितिन गडकरी जी का हृदय से स्वागत अभिनंदन। नेता लोग, ये विधायक लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ये सड़क हमने केंद्र सरकार से स्वीकृत हुई है, जबकि सड़क निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ भागा ठेकेदार। पीडब्ल्यूडी ने नया टेंडर कर स्वीकृति की जारी। सलूबर विधायक ने किया उद्घाटन। कांग्रेस ने कहा भाजपा विधायक कर रहे गुमराह, जाने क्या है पूरा मामला। उदयपुर जिले के सलूबर पीडब्ल्यूडी खंड के जैसमन से सराड़ा मार्ग फिर विवादों में गिर गया है। पूर्व में जहां सड़क निर्माण की स्वीकृति के बाद पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार नलवाया कंस्ट्रक्शन ने निर्माण कार्य तो समय पर शुरू कर दिया था, लेकिन निर्माण को अधूरा छोड़ ठेकेदार ने हाथ खड़े कर दिए थे। लंबे समय बाद विभाग ने संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद फिर से नया टेंडर जारी तो कर दिया, लेकिन सड़क का उद्घाटन विवादों में गिर गया है। उद्घाटन के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वीडियो जारी कर इस सड़क को लेकर केंद्र सरकार की देन बताया। इस संबंध में कांग्रेस के सराड़ा ब्लॉक अध्यक्ष गणेश लाल चौधरी ने मीडिया पर अपना एक बयान जारी कर भाजपा विधायक द्वारा किए गए उद्घाटन को गलत ठहराया। अध्यक्ष ने कहा कि झूठी जानकारी देकर सलूबर के भाजपा विधायक अमृत लाल मीणा और सेमारी प्रधान दुर्गा प्रसाद मीणा सहित भाजपा के पदाधिकारी आम जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी सुनिए उद्घाटन के समय भाजपा विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा इसके बारे में, और कांग्रेस के सराड़ा ब्लॉक अध्यक्ष ने क्या बयान दिए अपने। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयास से 2015-16-17 में ये स्टेट हाईवे 32 से ऋषभदेव से बलुआ, सराड़ा, चावण, केजर, डिंगरी, जाड़ोल, जैसमल, जावद, अदवा, जगत, जामेसर, ये 106 किलोमीटर का रोड है और ये सेंटर रोड पर भारत सरकार के द्वारा इसकी मंजूरी 2022 में मिली और पैसा पूरा आ गया है। ऋषभदेव से कुबेर लिमड़ी बलुआ, वहाँ ठेकेदार अलग है और कुबेर लिमड़ी से सराड़ा ठेकेदार अलग है और सराड़ा से जैसमन ये काफ़ी विवाद में था, पहले नलवाया जी का हुआ था, लेकिन उन किसी कारण, परिवार के कारणों से उनका टेंडर ब्लैक लिस्टेड करने के बाद अभी लक्ष्मीलाल जी पटेल का हुआ है और ऊपर जैसमन से ऊपर वाला भाग वो दूसरे ठेकेदार लक्ष्मीलाल जी का ही और आगे वाला भी। इस प्रकार 5 राउंड में अलग अलग ठेकेदारों का टेंडर हुआ। ये रोड बनने के बाद ये पैसा भारत सरकार का है। लंबे समय से हमारी इस रोड की मांग थी, भारत सरकार में 16-17-18 में सेंक्शन हो गया। किस कारण की वजह से ठेकेदार ने कुछ आपत्ति आई थी, नया टेंडर लक्ष्मीलाल जी का हुआ 106 किलोमीटर। और जब ये पर्यटन स्थल है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से जनता घूमने के लिए आती है, पर्यटन विभाग की वजह से मैं भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, नितिन गडकरी जी का हृदय से स्वागत अभिनंदन। 32 साल से हमारी ये मांग थी, हमारा रोड कब बने, और ये हमारी मांग केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत में जोड़कर विधायक जी और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने तन मन से सारा कार्य किया, इसके लिए मैं केंद्र सरकार से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय जवान, जय किसान। नमस्कार साथियों, मैं गणेश लाल चौधरी, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सराड़ा। आज मुझे यह पता चला कि जैसमंद से सराड़ा रोड का सलोम्बर विधायक अमृतलाल जी मीणा एवं सेमारी प्रधान दुर्गा प्रसाद जी मीणा एवं कुछ भाजपा नेता द्वारा इस रोड का शुभारंभ किया गया और उन्होंने एक वीडियो डाला। उस वीडियो में बताया गया कि यह रोड 2022 में केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री जी मोदी द्वारा स्वीकृत हुआ है, जबकि मैं इनको कहना चाहूँगा कि यह सड़क जो स्टेट हाईवे है, ऋषभदेव से बलुआ, सराड़ा, डिंगरी, केजर, झाड़ोल, जैसमंद, जगत, जामेश्वर, जो 2022 में राजस्थान सरकार ने अपने बजट में स्वीकृत की है, उस पैकेज में 3 रोड स्वीकृत हुई है जो 89 करोड़ की है, जिसमें से ये सड़क 54 करोड़ की है
और ये नेता लोग, ये विधायक लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि यह सड़क हमने केंद्र सरकार से स्वीकृत हुई है, जबकि यह सड़क 2022 के बजट में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैंतीस और क्रम संख्या 71 पर और रोड संख्या 33 पर यह स्वीकृत हुई है, जबकि ये लोग बता रहे हैं कि सड़क हमने स्वीकृत कराई है। मैं इनको कहना चाहूंगा कि इस तरह वोट की राजनीति बंद करो, लोगों को गुमराह करना बंद करो, इस तरह वोट नहीं मिलेंगे। जो कार्य जिस सरकार ने स्वीकृत किए उसका गुणगान होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।